नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में सचिन पायलट द्वारा ताल ठोकने के साथ ही अब चुनाव काफी रोमांचक बन गए हैं। सचिन पायलट ने उपचुनाव में प्रचार की शुरुआत दौसा से की है। सचिन पायलट ने दौसा में न सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा पर हमला बोला, साथ ही सीएम भजन लाल और भाजपा की 10 महीने की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो वादे किए उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है, इसलिए जनता का विश्वास भाजपा से उठ गया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने 2 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की जीत का दावा किया। एक और जहां राजस्थान में उपचुनाव का माहौल बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सूचना है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को लिया जा सकता है। गौरतलब है कि जनवरी 2025 में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जनवरी 2025 में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग में खाली पदों सहित शिक्षा विभाग को लेकर जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर तंज कसा था, तो वहीं अगले ही दिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जहां अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को महात्मा गांधी का अपमान तक कह डाला, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा। इसके साथ ही दिलावर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया था। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में बने हैं और इस बार मामला लव जिहाद का है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक पीड़िता को लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और लव जिहाद से जुड़े मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही बाल मुकुंद आचार्य द्वारा अधिकारियों से फोन पर बात का करता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो बनाते समय पीड़िता का चेहरा दिखाए जाने पर अब सोशल मीडिया पर विधायक को ट्रोल भी किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में भरजीवाड़े की परतें लगातार खुलती जा रही है और इसी कड़ी में एसीबी ने 11 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चीफ इंजीनियर आर के मीणा व दिनेश गोयल के साथ ही एडिशनल चीफ इंजीनियर आर सी मीणा व अरुण श्रीवास्तव को भी मामले में आरोपी बनाया है। इसके साथ ही एसीई परितोष गुप्ता, एसई निरल कुमार, महेंद्र प्रकाश सोनी, भगवान साहे, जितेंद्र शर्मा, विशाल सक्सेना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ठेकेदार फर्म श्याम ट्यूबवेल से मिली विगत कर करीब 900 करोड़ रुपए के माह घोटाले का पूरा ये मामला है। ठेकेदार पदमचंद जैन व महेश मित्तल भी इस मामले में अभियुक्त हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया, किशन गुप्ता, टेपन गुप्ता और नमन खंडेलवाल भी इस मामले में अभियुक्त हैं। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भजनलाल सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित पूर्व फैसले को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले में फिर से समीक्षा के साथ सुनवाई के निर्देश भी दिए हैं। सरकार की ओर से मामले में डबल एजी शिव मंगल ने सरकार की ओर से पैरवी की। इस मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। एक तरफ जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति अभियान शुरू कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ चंद रुपयों के लालच में रोडवेज बस चालक बिना जांच किए ही पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, जिसमें नशीले पदार्थ और हथियार भी हो सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले में प्रतिदिन रोडवेज बसों से हजारों पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में रोडवेज ड्राइवर बिना जाँच के ही पार्सल ले जा रहे हैं, जबकि इन पार्सलों में नशा या हथियार भी हो सकते हैं। बस अड्डा पर सरेआम पैसे लेकर पार्सल ले जाते हुए बस ड्राइवर देखे जा सकते हैं, जबकि हनुमानगढ़ जिला पंजाब हरियाणा सीमा पर और यहां से अंतर्राज्यीय स्तर पर बसें चलती हैं। वहीं इस मामले में रोडवेज प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक खानापूर्ति में जुटा हुआ है। एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने आज से अनशन पर बैठने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज दोपहर 3 बजे मनोज मीणा जैसे ही गांधीनगर में विधायक रामोतार बैरवा के आवास के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने मनोज मीणा को हिरासत में ले लिया। इस दौरान मनोज मीणा लगातार पुलिस से हिरासत में लेने की वजह पूछते रहे। गौरतलब है कि एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर मनोज मीणा ने पिछले दिनों सरकार को 4 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आमरण अनशन की चेतावनी दी गई थी। मोदी और खड़गे के जुबानी वार पलटवार में अब कई दिग्गज मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं।
पहले जहां राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि तापमान से भी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिर रहा है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को कई मुद्दों को लेकर जमकर घेरा। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी धान मंडी में ट्रैक्टर ट्रोलियों से अवैध धान परिवहन के खिलाफ टिब्बी के ट्रक मालिकों ने आज एसडीएम टिब्बी को ट्रकों की चाबियां सौंप दी और कार्रवाई न होने पर टिब्बी एसडीएम कार्यालय पर ट्रक खड़े करने की चेतावनी दी। ट्रक मालिकों का कहना है कि जो ट्रैक्टर खेती के लिए रजिस्टर्ड है उनसे ओवरलोड तरीके से अवैध रूप से धान परिवहन किया जा रहा है, जिससे ट्रक मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी इन पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रोक लगाई रखी है, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां कमर्शियल रूप से रजिस्टर्ड नहीं है और ये 30 क्विंटल तक अपने खेत से ही मंडी तक ही फसल ला सकते हैं। वहीं टिब्बी एसडीएम ने इस संबंध में कार्रवाई के लिए जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।